तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे। तो फाइनली आप देखो जी वोंगन ऐड हो चुकी हैं। फिलहाल इसका कलर हमने वाइट कर रखा है, तो बाद में इसका हम जो है ब्लैक वगैरह भी करेंगे। और ऊपर से जो आप देखो कुछ ऐसा जी वोंगन का लुक होता है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही हमने लुक कर दिया है। टायर वगैरह भी जो है चेंज वगैरह होना शुरू हो चुके हैं और लाइटिंग वगैरह वो भी चेंज होती हैं, तो ये भी जो है करके देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो जल्दी से जो है वीडियो को करते हैं शुरू और आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ कैसे कुछ इसके अंदर सिस्टम होने वाला है। और कुछ जो है कमेंट भी आते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं पहले शुरू। तो यहाँ पे हमारे जी वोंगन का पहले हम जो है कलर चेंज करते हैं, तब तक जो है मैं कुछ कमेंट के बारे में भी जो है बात कर लेता हूँ जो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसके बारे में जो कमेंट आते हैं कि हमारे जो है एक कैरेक्टर ऐड कर दो इसके ऊपर और ये होना भी चाहिए, तो हम भी जो है इसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि इसका जो कलर है वो अभी मैं जो है चेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर हैं उसके भी जो है हम ऐड करना जो है सोच रहे हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो ऐड होना चाहिए। और वो जो है ऐड तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे पहले हमें जो है ये सभी गाड़ियाँ हम जो है रेडी कर रहे हैं। तो लंबोर्गिनी है वो भी रेडी होने वाली हैं। तो ये देखो हमने जो है इसका कलर जेड ब्लैक कर दिया है, तो ये देख तो कुछ ऐसा ब्लैक दिख रहा है। तो अब जो है आप कमेंट के अंदर बताना कि इसका कलर हम जो है वाइट रखें या फिर ब्लैक ही सही है, तो दोनों में से कौन सा कलर जो है अच्छा दिख रहा है। आपने पहले वाइट देख लिया है और अब मैंने जो है ब्लैक करके दिखा दिया है। तो इसकी एक ये लाइटिंग होती है और आगे के जो इंडिकेटर आप देखो दो जगह इसके इंडिकेटर हैं, एक तो यहाँ हैं और एक कांच पे हैं, और पिछली साइड कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं। और आप अगर ब्रेक दबाओगे तो ये लाइटिंग वगैरह होती हैं, तो ये एकदम से आपको फुल एटीट्यूड वाली जी वोंगन देखने को मिल जाएगी। अभी मैं आपको और कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ। ये है इसका पूरा इंटीरियर वगैरह और थोड़े बहुत से इसके अंदर बग वगैरह हैं, इसको भी थोड़ा बहुत ठीक करेंगे। बाकी टायर वगैरह भी इसके अंदर चेंज हो जाते हैं, आप जैसा करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। इसके जो सबसे ऊपर वाले टायर्स हैं वो जो है काफ़ी अच्छे इसके अंदर सूट हो जाते हैं, या फिर ये बीच वाले टायर हैं ये भी काफ़ी अच्छे इसके अंदर लग जाते हैं। ये आप अगर रेड वाले करोगे तो इसके अंदर एकदम से इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि कांच के ऊपर जो और लाइटिंग का कलर वगैरह चेंज होता है या फिर नहीं वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ। तो इसके कलर वगैरह भी जो है चेंज हो रहे हैं, तो कौन सा कलर इसके ऊपर बेस्ट लगेगा वो जो है मैंने अभी ट्राई किया नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसका रेड नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हमने जो है कर दिया है ऑरेंज टाइप हमने कलर किया है, ना ज़्यादा रेड किया है और ना कुछ ऐसा। तो अभी जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह हो रही हैं। तो आपको जो है जी वोंगन का लुक कैसा कुछ लगा, मैं और भी कैमरा एंगल चेंज वगैरह करके इसकी स्पीड वगैरह वो भी जो है जांच करेंगे। और सभी इनको जो है टोसन मोड के अंदर भी जो है ऐड कर रहे हैं, जल्दी से वो भी जो है ऐड हो जाएगी टोसन मोड के अंदर भी। और इंटीरियर मैंने आपको पहले दिखा दिया है। आप जो है और भी इसके अंदर काफ़ी कमेंट आते हैं कि जो ट्रॉली हैं उसको जो है उठाने वाला जो ऑप्शन है वो दे दो, जैसे रोटावेटर वगैरह उठाते हैं तो उसके अंदर हम बोरियाँ रहती है ट्रॉली के अंदर, तो उसको खाली करने वाला जो ऑप्शन है उसको ऐड करो। तो वो भी जो है ट्राई करने वाले हैं कुछ, उसे भी जो है हम ट्राई करेंगे जल्दी से, वो भी जो है जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप जो है जी वोंगन के अंदर कुछ ठीक करना हो या फिर किसी के अंदर कुछ भी व्हीकल्स के अंदर ठीक करना हो तो वो कमेंट कर देना। बाकी इसके अंदर जो अभी ये रिंगिंग आप देख तो कुछ ऐसी इसके अंदर रिंगिंग वगैरह की हैं, थोड़ी बहुत सी जो है बाकी हैं, जैसे नंबर प्लेट वे आप देख तो एकदम से वाइट दिख रही हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चेंजेस करना हो तो बता देना। बाकी इसके नीचे भी जो है लाइटिंग वगैरह ऐड करना हो तो बता देना जी वोंगन। और अगला जो वीडियो है या तो फिर लंबोर्गिनी पे आएगा, क्योंकि वो भी लगभग से रेडी हैं, और RX 100 पे भी आ सकता है, तो वो अगले वीडियो में देख लेंगे किस पे आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर।